और इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के नियोजित शिक्षक संघ का बड़ा ऐलान, 15 अप्रैल से जातीय जनगणना का बहिष्कार जो है किया जाएगा नियोजित शिक्षकों की तरफ से, क्योंकि नियोजित शिक्षक संघ ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि जातीय जनगणना के कार्य का बहिष्कार उनकी तरफ से होगा। आपात बैठक कर शिक्षक संघ ने इसका फैसला लिया है। सरकार को 24 घंटे की मोहलत दी गई है, नई नियमावली को वापस लेने की 24 घंटे की मोहलत अब सरकार को इन नियोजित शिक्षकों की तरफ से दे दिया गया है। जनगणना ड्यूटी बहिष्कार के साथ सरकार को सबक सिखाने की भी चेतावनी दी गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें बिहार सरकार को सबक सिखा देने की चेतावनी दी गई। कहा गया है कि जो नई शिक्षक नियमावली बनाई गई है उसका हम बहिष्कार करते हैं, उसे वापस लिया जाए। सरकार को 24 घंटे की इसके लिए मोहलत दी गई है। 15 अप्रैल से बिहार में दूसरे चरण की मतगणना शुरू होने वाली है और उस मतगणना का, जनगणना का कह लें, उसका बहिष्कार जो है वो शिक्षक संघ की तरफ से किया जा रहा है। बिहार के नियोजित शिक्षक संघ की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि जो जनगणना का कार्य दूसरे चरण का शुरू होने वाला है जातीय जनगणना का, उसे अब ये शिक्षक संघ बहिष्कार करेंगे। वहीं स्मार्ट सिटी के तहत राजधानी पटना को खूबसूरत